आयोजित स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग उनका फायदा उठा सके। ये बात करनाल के सांसद संजय भाटिया ने गुरुवार को लघु सचिवालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की त्रिमासिक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कही। आपको बता दें कि घंटों भर चली मीटिंग में सांसद ने 17वीं लोकसभा से संबंधित 28 अलग अलग विषयों की गहन रुचि और बारीकी से समीक्षा की। प्रगति को देखकर हालांकि वे संतुष्ट नजर आए, लेकिन अधिकारियों से ये भी कहा कि हर स्कीम के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें मार्च के अंत तक पूरा करने की हर संभव कोशिश करें ताकि सरकार से अगले साल की धनराशि को भी खर्च किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम बचे हुए कामों को स्पीड अप करें। इस दौरान एजेंडा यानी कार्यसूची की शुरुआत नगर परिषद के सीईओ गौरव कुमार ने की और उसके बाद विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी स्कीमों की प्रगति बताई। सीईओ ने बताया कि 16वीं लोकसभा के सारे कार्य पूरे हो चुके हैं, मात्र एक कार्य नगर निगम से संबंधित अर्जुन गेट, शमशान गेट व शवदाह मशीन लगाने का बचा है जो लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 16वीं लोकसभा से जुड़े एमपी लैड के 535 स्वीकृत कार्यों में से 534 मुकम्मल हुए। अब 17वीं लोकसभा एमपी लैड के जितने भी कार्य हैं उन पर 19 फरवरी तक 1,11,69,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। 91 लाख रुपए खर्च करने हैं। एजेंडा आइटम में एमपी लैड के कार्यों से शुरुआत कर समीक्षा की गई। सीईओ ने बताया कि इसके तहत गांव संगोहा में 5 लाख रुपए की लागत से ब्राह्मण चौपाल और 2 लाख रुपए की लागत से नीलोखेड़ी के मंचूरी में पक्की ईंटों से एक सड़क बनाई गई। उन्होंने बताया कि मनरेगा स्कीम के तहत करनाल प्रदेश के सभी जिलों से आगे है। अब तक इस जिले में 11 लाख मानव दिवस सृजित कर लक्ष्य का 110% हासिल कर लिया है। सांसद के पूछने पर उन्होंने बताया कि हरियालीकरण के अंतर्गत जिला में 31 नर्सरियों पर काम हो रहा है, 900 कैटल शेड बनाए गए हैं। इस स्कीम में अब तक 43,15,00,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। 78,238 लोगों के जॉब कार्ड बनाए गए और 33,896 को रोजगार दिया गया। इस पर एमपी ने निर्देश दिए कि इससे जुड़े विकास कार्यों में स्थानीय जन प्रतिनिधि को भी शामिल कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में 115 कम्युनिटी मैनेज सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, 60 प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2016 से 17 व 2017 से 18 में पात्र व्यक्तियों को 45,000, 60,000 और 33,000 रुपए की 3 किश्तें दी गई हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 2,944 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए जिनसे 30,000 परिवारों को जोड़ा गया। एमपी ने सिविल सर्जन से कहा कि गांव-गांव में हेल्थ कैंप भी लगाए जाएं तो अच्छा रहेगा। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बीती जनवरी तक वृद्धावस्था पेंशन में 22,85,21,000, दिव्यांग पेंशन में 2,89,79,000, विधवा पेंशन के 11,48,55,000 तथा फैमिली बेनिफिट स्कीम में 41 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। इस अवसर पर कई अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद। बात को समझ चुके हैं कि कृषि कानूनों में जो बार बार विपक्ष ये भ्रामक प्रचार करता है, ये काले कानून है, किसानों को भी समझ में आ चुकी है कि इसके अंदर काला कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप इसमें जो रिफॉर्म चाहते हैं आप एक लाइन में एक कागज के ऊपर लिख के दे दीजिए, वो सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे। इस कृषि कानून से कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी किसान से, किसान भाई से उसका राइट छीना गया हो। ये तो एक एक्स्ट्रा दिया गया है, एक और विकल्प दिया गया है। ये आप इस कानून को अपने ऊपर लागू करो या ना करो, ये भी मर्जी दी है, किसान की मर्जी है। क्या लोग, अगर किसान भाई ये कहते हैं पहले वाले कानून ठीक थे, वो तो है ही, वो कानूनों को बंद नहीं किया गया, रद्द नहीं किया गया। उन कानूनों के तहत वो अपनी फसल मंडी में बेचे, वो अपनी फसल, लेकिन अब नए कानून में मंडी से बाहर भी आप फसल बेच सकते हो, ये राइट दिया गया। और मैं भी किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो मैं अपनी सब्जी को, अपनी फसल को मैं मंडी से बाहर बेच सकूँ, ये राइट मुझे दिया गया। मैं आज खेती करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं खेती करके जितना अर्न कर रहा हूँ अगर वो मुझे सीधा, आप भाई हैं चाहे आप पत्रकार हैं, आप कहो कि मुझे दो, आप 1 लाख रुपया एकड़ साल में कमाते हो तो मैं आपको 1.5 लाख रुपया, मेरे से ठेका उठा लो, मैं 1.5 लाख रुपया आपको दूंगा, आप मेरे कहने से ये वाली फसल लगा दो। ये ऑप्शन भी दी गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर, सब कुछ किसान के हक में दिया गया है। और केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा है कि जिस तरह मार्केट फीस पंजाब के अंदर 6% तक ली जा रही थी, 2.5% आड़त ली जा रही थी, ऐसे ही हरियाणा में ली जा रही थी, तो उन्होंने कहा किसान के ऊपर अल्टीमेटली बोझ पड़ता है, तो आप इस मार्केट फीस को
अब मत लो, केंद्र सरकार ने तो ये उल्टा इस कानूनों के तहत ये सुविधा दी है और मेरी फसल है, मैं अपनी इच्छा से 2 रुपए महंगी कहीं बेचने में समर्थ हूँ, अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं अपनी फसल सरकारी रेट पे बेच सकता हूँ। ये कानून है, कानून तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब कुछ मुझे लगता है कि ना समझने का मन भी कुछ लोगों का बना हुआ है, वही बार बार किसान भाइयों को भ्रमित करके इसको सिरे नहीं चढ़ने दे। टैक्स का अपना एक प्रोसेस है और आज इस सरकार के अंदर इतनी पारदर्शिता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस हो चुका है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे कि आज संजय भाटिया पे रेड करनी है या आज शमशेर नैन पे रेड करनी है, ये उनके हाथ में नहीं है। ये जब पिछला रिकॉर्ड, अकाउंट्स का रिकॉर्ड वो स्क्रूटनी करते हैं, उसमें देखते हैं, ऑडिट करते हैं, तो कहीं डिस्पैरिटी आती है, कहीं फर्क नजर आता है, तो उसी के ऊपर, उसी के आधार पर होती है कौन पॉलिटिकल है कौन पॉलिटिकल नहीं है, ये किसी की आईडी में नहीं आता। और आज कोई ऐसा समर्थ नहीं है चाहकर भी किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड, जब तक कि उसके अकाउंट्स अगर गलत ना बोले, तो ऐसा अकाउंट्स के अंदर कुछ दिखा होगा, उनको शक पड़ा होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है। और अगर बिल्कुल ठीक है उनके अकाउंट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स 10 बार चेक हो जाए, मेरे कागज हैं 10 बार चेक हो जाए, जब मेरे में कुछ गलत ही नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कौन पॉलिटिकल है या कौन नॉन पॉलिटिकल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो दूसरा प्रश्न है आपका तंवर साहब वाला, तो मैं तंवर साहब को शुभकामना देता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर निरंतर वर्षों संगठन को खड़ा करने में लगे रहे और लास्ट में उनको न्याय नहीं मिला, उनके साथियों को न्याय नहीं मिला, उनसे भेदभाव किया गया हरियाणा में, यहाँ तक कि भेदभाव तो एक है कि आप पॉलिटिकल किसी को टिकट दे रहे नहीं दे रहे, वो संगठन का एकाधिकार है, लेकिन उस तरह से उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने दादागिरी करके उनको सिर तक फोड़ दिया, तो मैं उनके साथ सिंपति भी है और मेरी उनको शुभकामना भी है, आए और समाज के अच्छे मुद्दों को उठाकर एक देश की ताकत बढ़ाने के लिए राजनीति करें, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।